हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। सीरीज का जो मेन मेरा फोकस रहेगा, दैट विल बी फॉर CDS 2022। फेब आपका फेब 2022 में जो CDS आ रहा है, उसके लिए जो है वीडियो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस वीडियो सीरीज में जो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, दैट विल बी रिलेटेड टू द मिलिट्री परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया। तो इसमें आज की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो आर्म्ड फोर्सेज कौन कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन एक्सरसाइज का क्या सिग्निफिकेंस है, किस कंट्री के साथ हमारा क्या जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, ठीक है, इसके अलावा जो वेपन सिस्टम्स हैं और थिएटर कमांड्स वगैरह, तो ये जो भी फौज और फौज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशूज़ जो न्यूज़ में रहते हैं, मैं वो इन सारी वीडियो सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप यू विल लर्न समथिंग, और आई होप ये सब जो है आपको नॉट ओनली इन योर एग्ज़ाम बट SSB में भी यूज़फुल रहेगा, बिकॉज यू नो कि SSB में भी जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है इन सब टॉपिक्स पे, एंड यू हैव टू बी वेरी अवेयर स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग। तो इस पूरी वीडियो सीरीज़ में मैं यही कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँ, और सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाऊँ। तो जो लिखने का काम होगा वो कम रहेगा, समझने का काम ज़्यादा रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप भी प्लीज़ लिखने का काम कम करिएगा और समझने का काम ज़्यादा करिएगा। कुछ चीज़ें जो होंगी इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको वीडियो में साथ की साथ ही बता दूंगा कि दीज आर द थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। So basically this video will have everything in you need to know for the CDS exam. So without wasting any time, let's begin. So the first video, as I said, will be of military exercises of India. अब military exercises के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि military exercises जो हैं, ये बहुत ही important strategic tool होती हैं किसी भी army, किसी भी country की diplomacy में। तो आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ ही प्रेफर करना पसंद करते हो जिन कंट्रीज़ के साथ आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जिनके आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रस्ट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है डीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप अपने एडवर्सरीज़ के साथ कभी भी या अपने एनिमीज़ के साथ कभी भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं करते हो। तो आगे एक रिसेंट एग्जाम्पल आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, इट कैन बी बायलैटरल, इट कैन बी ट्राइलैटरल, इट कैन बी मल्टीलैटरल। अगर दो कंट्रीज़ हैं तो वो बायलैटरल रहेगी, अगर तीन कंट्रीज़ हैं तो ट्राइलैटरल रहेगी, अगर तीन से ज़्यादा हैं तो वो मल्टीलैटरल रहेगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखिएगा। और जो मिलिट्री एक्सरसाइज हम आज पढ़ने वाले हैं, वो सब की सब जो हैं, अब मैंने इस कैटेगरी में डिवाइड की है कि आर्मी की कौन सी है, एयरफोर्स की कौन सी है, और नेवी की जो है वो कौन सी है। और इनको कंट्री वाइज जो है मैंने लिस्ट बनाई है। अब दिस PDF, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था लिखने का काम कम करना, समझने का और सुनने का काम ज़्यादा करना। जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो यहाँ पर नहीं लिखी होगी, वो आप लिख सकते हो, और अगर मेरे माइंड में भी आता है तो मैं आपको साथ के साथ पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और ये जो PDF है इस वीडियो की, दिस यू कैन गेट ऑन आर ऐप, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की डाल दूंगा, एंड यू कैन डाउनलोड दी ऐप। वहाँ पे जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे तो आप ये PDF जो है ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सबसे पहला कंट्री जो है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो ऑफ लेट काफ़ी अच्छी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के, दैट इज़ स्कॉट मॉरिसन, वो भी जो है इंडिया को एक काफ़ी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहे हैं और ड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, जापान, US और इंडिया जो है, ये सब चारों जो हैं क्वाड के मेम्बर्स भी हैं। अब क्वाड जो है, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस,
जैसा कि चाइना ने कहा था कि इट इज़ एन एशियन नेटो, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ये पार्टनरशिप मल्टीपल जो है डायमेंशन में है, मल्टीपल जो है फील्ड्स में है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी आर्मी एक्सरसाइज है, दैट इज ऑस्ट्रो हिंद। ये जो ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज है, सॉरी अबाउट दैट, ये इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। अब जो ये बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, इनका एक सीधा सीधा रूल होता है कि ऑल्टरनेट ईयर होस्टिंग चलती है इनकी। जैसे अगर इस साल ये इंडिया में हुई है तो नेक्स्ट ईयर ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, उससे नेक्स्ट ईयर ये फिर इंडिया में होगी, उससे नेक्स्ट ईयर ये फिर ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो ये ऑल्टरनेट ईयर पे इसकी होस्टिंग चलती है। देन इज नेवल एक्सरसाइजेज, दैट इज ऑज इंडेक्स, ऑज ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडेक्स। तो ये जो है नेवल एक्सरसाइज है। देन देयर इज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो है इट इज एक्चुअली अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल का मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पे जो तीन या तीन से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें अब रेगुलरली इंडिया को भी इन्वाइट करने लग गया है। तो इसीलिए वी हैव सेड कि इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स एक्सरसाइज में पिच ब्लैक का नाम आता है। नेक्स्ट कंट्री इज बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इस साल 2021 में अपने 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर रहा है, और इसमें जो है हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स का बहुत बड़ा जो है एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब इनफैक्ट मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में वो हमारी आर्म्ड फोर्सेज का ही था। तो उसी वजह से जो है हमारा बांग्लादेश के साथ एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी है, और बांग्लादेश भी जो है हमें एक ड्यू स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देता है। और तो बांग्लादेश के साथ जो हमारी आर्मी एक्सरसाइज है दैट इज़ संप्रीति, और जो नेवल एक्सरसाइज है दैट इज़ इंडिया बांग्लादेश कॉर्पैट। अब ये जो कॉर्पैट है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक एब्रीवेशन है। इस एब्रीवेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। प्लीज ये बात माइंड में रखिएगा, पेट्रोल का क्या मतलब होता है, जिसे हिंदी में आप गश्त कहते हैं। तो ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये मिल के आपस में, इन दोनों कंट्रीज की जो नेवीज हैं या कोस्ट गार्ड हैं, जो भी रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं जिनको भी इस एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जाता है, वो आपस में मिलके एक पर्टिकुलर एरिया, खासकर जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है उसमें कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है वो करती हैं। और यहीं से जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी बन जाता है और एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी बन जाती है। तो कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं। सो इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज बोंगो सागर। सो बोंगो सागर इज एक्चुअली अगेन अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। अब ये जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये बांग्लादेश की है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया को भी वो लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज आते हैं, बट अगेन इंडिया की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है, हेंस आई हैव पुट इट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। इसके अलावा जो एयर एक्सरसाइज है दैट इज टेबल टॉप। देन इज ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो एज सच ये कोई हमारी इनके साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं रहती है, बट हाँ ये इब्सामार नाम की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इब्सा जो है आपने देखा होगा एक इम्पॉर्टेंट फोरम भी है, इंडिया बांग्लादेश साउथ अफ्रीका। तो इनकी जो है आपस में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वहीं से जो है ये एब्रीवेशन बनी है इब्सामार। तो प्लीज़ याद रखिएगा इब्सामार इज अ ट्राइलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। देन वी हैव गॉट चाइना। चाइना तो हमारा एडवर्सरी है, तो सर हम इसके साथ एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज चाइना के साथ ट्रस्ट डेफिसिट कम था, तो पहले चाइना जो था इतना एग्रेसिव नहीं था, तो हम चाइना के साथ ये एक्सरसाइज करते थे। अब देखिए यहाँ पे हमने ना तो नेवी की कोई एक्सरसाइज है ना एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज है, बट हमने आर्मी की एक्सरसाइज रखी है। ये एक्सरसाइज का मेन जो पर्पस था वो यही था कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था कि ठीक है दोनों आर्मी जो है आपस में बात कर सके, एक दूसरे पे कुछ हद तक भरोसा कर सके, तो उसी लिए ये एक्सरसाइज की जाती थी हैंड इन हैंड। बट नाउ
फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि चाइना जो है अननेसेसरी एग्रेशन शो कर रहा है हमारी एलएसी पे, ठीक है, और अननेसेसरी क्लेम कर रहा है हमारी टेरिटरी पे, सोवरेनिटी को जो है वो मानता नहीं है किसी कंट्री की. सो दैट इज़ वाई ये एक्सरसाइज जो है फिलहाल की डेट में इट इज़ सस्पेंडेड, ठीक है. बट अगेन अगर हैंड इन हैंड पूछ लिया जाए, क्योंकि चाइना अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो अगर हैंड इन हैंड पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि इंडिया और चाइना की जो आर्मी है वो जो एक्सरसाइज करती थी उसका नाम था हैंड इन हैंड. एंड फ्रांस जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंडिया. फ्रांस ने काफ़ी सारे वेपन सिस्टम्स इंडिया को सप्लाई किए हैं, जिसमें से एक सबसे जो है न्यूज़ में रहता है वो है स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स. आपने सुना ही होगा नाम स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स का, ठीक है. तो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रांस ने जो है इंडिया को की थी, और उसके बाद ये इंडिया में ही बिल्ड की जा रही है. 6 सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, ठीक है. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये आप लिख लीजिएगा कि स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, और इनके नाम ज़रूर देखिए कि क्या क्या रखे गए हैं. अभी तक 3 आ चुकी हैं, 3 और आनी है. तो फ्रांस और इंडिया की जो आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम है शक्ति, जो नेवी एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुणा, और जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है वो है गरुड़. गरुड़, वरुण और शक्ति, ये 3 जो है हमारी रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज है. इसके अलावा एक एयर एक्सरसाइज और है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट. डेजर्ट नाइट अभी रिसेंटली भी कंडक्ट की गई है. तो डेजर्ट नाइट में दोनों कंट्रीज़ के रफाइल्स ने पार्टिसिपेट किया था. यस, नाउ वी हैव रफाइल्स ऑल्सो, ठीक है. तो दोनों तरफ से जो रफाइल्स थे वो आए थे, क्योंकि फ्रांस की तो खुद की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन. तो डसॉल्ट एविएशन इज़ अ फ्रेंच कंपनी और उसी ने रफाइल्स बनाए थे. तो इसी डसॉल्ट एविएशन में जो है फ्रेंच एयरफोर्स को भी जो रफाइल्स हैं वो प्रोवाइड किए, और दोनों आपस में इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को लेके मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है. तो डेजर्ट नाइट प्लीज़ याद रखिएगा, 2021 में ये कंडक्ट की गई है. नेक्स्ट इज इंडोनेशिया. गरुड़ शक्ति, इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में गरुड़ शक्ति. अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं गरुड़ा और गरुड़ शक्ति में, तो याद रखिएगा गरुड़ा जो है वो हवा में उड़ते हुए, और गरुड़ जब अपनी शक्ति दिखाता है तो वो नीचे आके जब अपना शिकार करता है, तो जब नीचे आके शिकार करता है तो यानी वो लैंड पे आया है, और लैंड पे आर्मी होती है, ठीक है. तो गरुड़ शक्ति. देन देर इज इंडो कॉर्पेट. कॉर्पेट अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इट इज़ नथिंग बट अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल. देन इज इंडो बायलैट. तो बायलैट इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर बायलैटरल, ठीक है, या फिर समुद्र शक्ति है जो ये एक्सरसाइज है. एयरफोर्स एक्सरसाइज अभी तक फिलहाल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कोई कंडक्ट नहीं की गई है. नेक्स्ट अप इज इसराइल. इसराइल के साथ जितनी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी डीप है, लेकिन उतनी ही कोवर्ट भी है, क्योंकि हम सिर्फ 10% चीज़ें शो करते हैं और 90% चीज़ें जो हैं वो कोवर्ट ही रखते हैं. तो इंडिया इसराइल की एज सच कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, बिकॉज ऑफ अगेन कुछ डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं, कुछ आप कह लीजिए पॉलिटिकल मजबूरियां हैं. तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट अगेन इसराइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी यू नो गुड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया. तो ये जो एक्सरसाइज है ब्लू फ्लैग जो ये कंडक्ट की जाती है इसराइल के साथ, ब्लू फ्लैग, ये ब्लू फ्लैग जो है अगेन इट इज़ अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, और इस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में इंडिया भी इनवाइटेड रहता है. तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इट इज़ अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज. तो अगेन इंडिया और इसराइल की एक एयरफोर्स वाली ही एक्सरसाइज होती है ब्लू फ्लैग. अब ये 17 आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2017 में जब हुई थी तो उसको ब्लू फ्लैग 17 कहा गया था. तो यूजुअली जब भी ये एक्सरसाइजेस के आगे नंबर लगाए जाते हैं तो दैट यूजुअली डिनोट्स कि वो किस ईयर में कंडक्ट की जा रही है, ठीक है. देन इज जापान. जापान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया. तो डिफेंस में ना से ही, बट ऑल टुगेदर डिफरेंट यू नो रीजन्स में, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, जापान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया. और जापान के साथ जो हमारी कोऑर्डिनेशन है काफ़ी अच्छी है. जापान के साथ ऑफ लेट हमारी जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुई है. अब आप इसमें क्वाड का एक फैक्टर लगा सकते हैं. अब आपको पता ही है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान मिलके ये क्वाड,
तो आप क्वाड का फैक्टर लगा लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बट यहाँ तो इंडिया और जापान काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो वी हैव अ कॉमन एनिमी दैट इज़ चाइना, बिकॉज चाइना इज शोइंग अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो एंड अगेंस्ट जापान ऑल्सो. तो हमारी जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये और ज़्यादा मजबूत हो गई है एंड इट हैज़ टेकन अ कंक्रीट शेप. तो इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी, जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स, आई विल नॉट से आर्मी क्योंकि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ नहीं करता, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के अबव वो अपनी फोर्सेस रख सके. तो जापान की जो फोर्सेस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही होगा, वो अटैक नहीं करने के लिए होगा. बाकी कंट्रीज जितनी भी अपनी आर्मीज बनाते हैं वो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि कल को अगर हमें अटैक करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इतनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी. तो जापान इज मोर ऑफ अ डिफेंडिंग स्टेट रेदर देन एन अटैकिंग स्टेट. तो हम भी अटैक नहीं करते हैं बट हम अपनी आर्मी को इस हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं कि अगर कल को ज़रूरत पड़े, यू नेवर नो. सो इंडियन आर्मी और जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज है दैट इज़ धर्मा गार्डियन, और नेवी के बीच में जो होती है दैट इज़ जिमेक्स, इंडियन नेवी और जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स. इसके अलावा आपको पता है कि अब इट इज़ अ प्रॉपर एंड परमानेंट मेंबर ऑफ मालाबार एक्सरसाइज जापान. ठीक है, उसके अलावा जो कोस्ट गार्ड लेवल पे एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है दैट इज सहयोग काइजिन. सहयोग इज इन हिंदी वर्ड एंड काइजिन इज अ जापानीज वर्ड. देन देयर इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है शिनयू मैत्री. नेक्स्ट अप इज कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान. आपको पता है दोनों के दोनों जो है सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, लैंडलॉक्ड हैं. ठीक है, तो इन लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो होते हैं उनको आपको पता ही है कि कोई सी बॉडी वगैरह या कोई ऐसा मेजर जो है वाटर बॉडी नहीं होती, सो दे डोंट हैव एनी नेवी. तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो है ये दिखेगा कि वी हैव नो नेवल एक्सरसाइजेज विद दीज टू कंट्रीज, बट अगेन वी ऑल्सो डोंट हैव एनी एयर एक्सरसाइजेज विद दीज टू कंट्री. तो जो हमारा सारा इनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है वो आर्मी के लेवल पे ज़्यादा होता है. तो कजाकिस्तान के साथ जो हमारी आर्मी एक्सरसाइज होती है वो है प्रबल दोस्तिक या काज इंद. अभी अभी काज इंद कंडक्ट हुई थी सितंबर 2021 में. तो आई वांट यू टू लुक इट अप, गो ऑन द इंटरनेट, लुक इट अप और ये देखना कहाँ पे कंडक्ट हुई थी. ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि ये 2021 में कौन सी जगह पे कंडक्ट हुई थी. सो ऑलवेज यू नो होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. देन किर्गिस्तान के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज होती है दैट इज खंजर. ठीक है, मलेशिया. मलेशिया जो है एक, इसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जैक्टली ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. कभी ये हमारे बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाते हैं और कभी कभी इनके साथ हमारी जो है एक आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं. ठीक है, तो हरिमाओ शक्ति जो है ये इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. एंड देन वी हैव गॉट अगेन अ टेबल टॉप, इंडिया मलेशिया टेबल टॉप. अब इससे पहले भी एक टेबल टॉप आई थी पर वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी. अब आप वीडियो में पीछे जाके देख लेना कि वो टेबल टॉप कौन सी थी. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया मलेशिया टेबल टॉप जो है ये नेवी की एक्सरसाइज है और एयरफोर्स की तो है ही नहीं. तो याद रखिएगा ये जो ऐसे नाम होते हैं टेबल टॉप वाले जो दो दो एक्सरसाइज के होते हैं या तो एग्जाम में आते नहीं है, और दूसरा एग्जामिनर ये IN और MN डाल के टेबल टॉप देने नहीं वाला क्योंकि यहाँ से किसी को भी पता लग जाएगा ये मलेशिया ही है. ठीक है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए. अब गुड सिटीजन इज ऑलवेज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन. उसके बाद आता है मालदीव्स. मालदीव्स के साथ आपको पता ही है आर्मी एक्सरसाइज काफ़ी फेमस है, इकुवेरिन. ठीक है, और जो हमारी नेवल एक्सरसाइज होती है मालदीव्स के साथ दैट इज एकता. देन वी हैव गॉट मंगोलिया. मंगोलिया अगेन एक लैंडलॉक कंट्री है तो नेवल एक्सरसाइज तो पॉसिबल ही नहीं है. एयर एक्सरसाइज भी हम मंगोलिया के साथ नहीं करते. दी ओनली एक्सरसाइज दैट वी डू इज नोमैडिक एलिफेंट. अब तो आपको पता ही है मंगोलिया में ज़्यादातर नोमैडिक लोग जो है, नोमैडिक ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ रहती है. तो नोमैडिक एलिफेंट याद रखिएगा, एलिफेंट डिनोट्स इंडिया. ठीक है, म्यांमार इम्बेक्स. इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज इम्बेक्स. तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है हमारी म्यांमार के साथ.
और आई एम कॉर अगेन कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, तो इट इज इंडियन म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल और इंडियन म्यांमार बायलैटरल बायलैट जो ही है ना ये आई एन आई एम बायलैट ये सूर्य किरण नेपाल के साथ। सूर्य किरण कभी कभी एयरफोर्स भी इंक्लूड हो जाती है इसमें, बट उसका नाम सूर्य किरण ही रहता है। तो सूर्य किरण जब भी नाम आए मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए तो याद रखिएगा वो हमेशा नेपाल के साथ ही होती है। तो सूर्य किरण भी अभी ऑफ लेट कुछ वीक्स पहले ही कंडक्ट हुई थी। अब अगेन आई वॉन्ट यू टू डू सम होमवर्क, गो ऑन द इंटरनेट रिसर्च कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, ठीक है। देन वीव गॉट ओमान। ओमान जो है इंडिया का एक बहुत ही साइलेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन के निकला है। जो सुल्तान थे महरूम सुल्तान ओमान के, सुल्तान कुबूज, अब उनके बेटे जो हैं वो सुल्तान बने हैं, तो वो सुल्तान कुबूज ने इंडिया को एक पोर्ट गिफ्ट किया था। गिफ्ट इन देंस ऐसा नहीं है कि इंडिया को दे ही दिया था, इन द सेंस कि गिफ्ट ऐसे किया था कि वो पोर्ट इंडिया को कुछ कुछ वैसे ही दिया था जैसे ईरान ने चाबहार पोर्ट इंडिया को हैंडओवर किया है। तो उस फर्क क्या है, ओमान का जो ये पोर्ट है इस पोर्ट का इंडिया मिलिट्री यूज भी कर सकता है, ओमान ने इस बात की परमिशन दी है, ओमान ने इस बात की परमिशन दी है। तो दैट इज वाई इंडिया की मिलिट्री एंगेजमेंट ओमान के साथ इतनी ज्यादा है। आप देखिए नेपाल जो बिल्कुल हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है उसके साथ ना तो हमारी कोई नेवल एक्सरसाइज है, चलो वो तो हो भी नहीं सकती क्योंकि नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, बट एयर एक्सरसाइज भी नहीं है। बट ओमान के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, आर्मी एक्सरसाइज भी है, नेवल एक्सरसाइज भी है, देन वी हैव गॉट एन एयर एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन सी द लेवल ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। सो जो आर्मी एक्सरसाइज है इसका नाम है अल नागा। अब मैं भूला नहीं हूँ उस पोर्ट का नाम बताना, इट इज़ जस्ट दैट आई वॉन्ट टू गो ऑन द इंटरनेट एंड लुक इट अप, ठीक है। ओमान में भी एक पोर्ट है, ऐसे ही इंडोनेशिया में भी एक पोर्ट हमें वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है और उसका भी हम मिलिट्री यूज़ कर सकते हैं, वो तो चौक पॉइंट पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के, ठीक है। ऐसे ही हम कोलंबो पोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक चुपके चुपके बात चल रही है आइलैंड एक्सचेंज की। तो बहुत चीज़ें हैं इस जियो स्ट्रेटेजिक चेस में, बहुत कुछ चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को शह और मात देने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं अंत में जीतता कौन है, इंसानियत जीते तो ज़्यादा बेटर है। एनीवे चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तंसीम अल बहार क्या है, हमारी नेवल एक्सरसाइज है, और ईस्टर्न ब्रिज जो है वो एयर एक्सरसाइज है। ये तीनों की तीनों एक्सरसाइजेज जो है ओमान के साथ होती हैं। कतर के साथ हमारी सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज होती है ज़ायर अल बहार, ज़ायर बहार, ठीक है। रशिया, रशिया जितना इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का उतना शायद कोई और कंट्री ना हो। तो रशिया के साथ हमारी इंदिरा एक्सरसाइज होती है जो आर्मी एक्सरसाइज थी। अब इसको जो है हमने आगे कर दिया है एक्सपैंड फॉर एयरफोर्स एज वेल एज नेवी। तो जो ये एक्सरसाइज है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नाम इसका यूजुअली इंदिरा ही रहता है, लेकिन इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो। देन इज सेशल्स। अब ये सेशल्स के साथ जो हमारी वो रहती है एक्सरसाइज है, ये काफ़ी रेगुलर है बिकॉज सेशल्स के साथ अगेन एक पोर्ट को लेके ही झगड़ा चल रहा था। पहले सेशल्स ने हाँ कर दी थी, फिर बाद में ना कर दी, तो उनकी रूलिंग पार्टी ने हाँ कर दी थी, ऑपोजिशन ने ना कर दी, तो वो मैटर कुछ वहीं फंस गया है। तो एजम्पशन आइलैंड का है, अब देखिएगा। तो अभी सेशल्स में इसीलिए हमने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी क्योंकि चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो है स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। तो इंडिया उसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए यूज़ कर रही थी अपनी एक स्ट्रेटजी, जिसमें वो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स और लिसनिंग जो स्टेशंस हैं वो डेवलप कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। तो हमारा जो ये इंडियन ओशन रीजन है ना, इसको हम ड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो सेशल्स के साथ एनीवेज कभी एग्जामिनर पूछ लेगे तो कौन सी एक्सरसाइज है, तो याद रखिएगा लामिटी
जो है एक्सरसाइज है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो होती है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, और जो दैट इज आर्मी एक्सरसाइज। और जो सिम्बेक्स है, सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, ये जो है ये होती है नेवल एक्सरसाइज। तो मैरिटाइम वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो समझ जाइएगा क्या वहाँ नेवी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये बड़ा ही मतलब इसको बोलते हैं कि कॉमन सा है कि जहाँ पे भी वर्ड मैरिटाइम आ जाए, ठीक है, दैट मीन्स ओशंस, नेवी और सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इस सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मरीन इंजीनियरिंग होती है ना, जैसे मैरिटाइम शिप्स वगैरह होती हैं, सिमिलरली वी हैव गॉट मैरिटाइम। तो मैरिटाइम सिंगापुर और इंडिया के मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, श्रीलंका मित्र शक्ति आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट हो गया है इस साल भी 2021 में इन द मंथ ऑफ सितंबर और आई गेस अक्टूबर। आप जरूर चेक करिएगा कौन से कंट्री में हुई है, इंडिया में हुई है कि श्रीलंका में हुई है। देन वी वॉट स्लीनेक्स, जस्ट लाइक सिम्बेक्स वी वॉट स्लीनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। वी वॉट थाईलैंड, थाईलैंड के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज है वो है मैत्री, इंडो थाई कॉरपैट, कॉरपैट की अभी मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताई थी, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, और जो वो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है दैट इज सीएम भारत, सीएम भारत। यूएई, यूएई इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, जिसको इंडिया जो है ड्यू इम्पोर्टेंस दे रहा है, और ऑफ लेट यूएई ने हमारी काफ़ी हेल्प की है, ओवर्टली भी और ओवर्टली भी, ठीक है। तो अभी तक यूएई के साथ कोई मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज तो नहीं हुई है, बट हाँ यूएई के साथ हम एक रेगुलर बायलैटरल जरूर करते हैं जो नेवी के उसमें डोमेन में रहता है। तो इंडिया यूएई बायलैट, और एक एयरफोर्स एक्सरसाइज रहती है जिसका नाम है डेजर्ट ईगल, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। आपको शेख अक्सर मूवीज़ में दिखाते होंगे, वो बाज जो है अपने उस पर एल्बो पे बिठा के रखते हैं, तो बस कुछ वहाँ से याद रखिएगा कि डेजर्ट ईगल जो है वो इंडिया और यूएई की है। देन इज यूके, यूके के साथ जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है अजय वॉरियर, जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है कोंकण, कोंकण कोस्ट से कोंकण नेवल एक्सरसाइज याद रख लीजिएगा आप, और इंद्रधनुष जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। देन वीव गॉट यूएसए, यूएसए के साथ भी हमारी एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा है, और ऑफ लेट यूएसए भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के आ रहा है। ऑल दो मैं साफ कहूँगा इट इज़ यूएसए इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर, वो प्रॉफिट एंड लॉस के इक्वेशन पे चलता है, तो हम भी प्रॉफिट एंड लॉस के इक्वेशन पे ही यूएसए के साथ चलते हैं, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है तो हम अच्छे से चलते हैं। एनीवेज युद्धाभ्यास जो है ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इसके साथ साथ वज्र प्रहार है। वज्र प्रहार की खासियत क्या है कि वज्र प्रहार में ज़्यादातर आपको स्पेशल फोर्सेस देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वज्र प्रहार में यू हैव स्पेशल फोर्सेज, और युद्धाभ्यास में यू हैव गॉट योर अदर योर रेगुलर इन्फेंट्री एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व। देन इज मालाबार, मालाबार जो है आपको पता ही है ये आज के टाइम में एक जो है क्वाड एक्सरसाइज बन गई है, क्योंकि मालाबार में यूएस के साथ साथ आप जापान देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, इंडिया यूएस तो है ही, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज बन चुकी है रेदर देन बायलैटरल, ठीक है। देन वीव गॉट अ रेड फ्लैग, नाम रेड फ्लैग है बट है एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी, अगेन ये यूएस की एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ इंडिया और यूएस नहीं रहते हैं बल्कि बाकी सारे कंट्रीज़ को भी यूएस इनवाइट करता है, और पिछले कुछ सालों से इंडिया को जो है रेगुलर इनविटेशन आ रहा है और इंडिया जो है रेगुलरली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इंटरनेट पर जाके इसकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, क्वाइट एन इम्प्रेसिव शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल्स एट द सेम। देन इज उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ जो है वो दुस्तलिक है, और वियतनाम के साथ हमारी है विनबैक्स। अब ये जो सारी अभी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं ये ज़्यादातर
बायलैटरल या ट्राइलैटरल या क्वाड्रिलैटरल तक ही लिमिटेड थी। इससे ज़्यादा आप इसको, इनसे ज़्यादा फॉर्मेट में आप इसे कम ही देखोगे। जो बीच में एक दो मल्टीलैटरल थी वो मैंने आपको बता दी ही। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से कुछ जो एक्सरसाइजेज हैं दे आर नॉट कंडक्टेड रेगुलरली। कभी हो जाती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी फिर हो जाती हैं, कभी फिर नहीं होती। तो वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कोऑर्डिनेशन पे। कभी जैसे अभी पिछले 2 साल से तो लॉकडाउन ही चल रहा है, तो कहाँ कुछ हो पाएगा। बट हाँ, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ज़रूर चढ़ चुकी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक एनुअल रिपोर्ट आती है, आप उसमें देख सकते हो कि कितनी कितनी एक्सरसाइजेज जो है कौन कौन से कंट्री के साथ कंडक्ट की गई है। बट अगेन, आप यूपीएससी के लिए जब तक प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा उस पीडीएफ से दूर ही रहिएगा। बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ठीक है, हम सीडीएस पे जोर दे रहे हैं जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, बट हम स्मार्ट वर्क करेंगे, अननेसेसरी हार्ड वर्क नहीं करेंगे। देन वी गॉट सम मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज जो इंटरनेशनली कंडक्ट की जाती हैं, और इंडिया जो है उसमें रेगुलरली एक पार्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ADMM प्लस एक्सरसाइज, ये जो है ब्रुनेई कंडक्ट कराता है। तो ब्रुनेई जो है एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। आपने देखा होगा एशियान का भी मेंबर है ये, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है ADMM प्लस, और इसी में ही जो है US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो पार्ट लेते हैं। तो 10 तो एशियान वाले कंट्रीज ही हो गए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो 10 तो एशियान वाले कंट्रीज हो गए हैं, उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, कोरिया, तो बहुत सारे कंट्रीज जो है इसमें पार्ट लेते हैं। देन देर इज एक्सरसाइज कोमोडो, तो ये तो बड़े इजीली याद रह जाएगा। कोमोडो ड्रैगन जो है वो इंडोनेशिया में मिलता है, तो इंडोनेशिया की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज इज कोमोडो। इंडिया भी एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कराता है, इसका नाम है मिलन, इसका नाम है मिलन। तो ये अगले साल 2022 में होगा, कंडक्ट होगा। 41 कंट्रीज़ को जो है इनवाइट किया गया है इसमें, 41 कंट्रीज़ को। 41 कंट्रीज़ जो है विल बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय देयर हेड ऑफ द नेवल फोर्स और अदर सीनियर ऑफिसर्स। तो 41 कंट्रीज़ जो है इसमें कंफर्म पार्टिसिपेट करेंगे इन 2022। यूजुअली ये हर साल कंडक्ट की जाती है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी इसको जो है सी ऑफ करते हैं। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। देन अगेन, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो इंडिया कंडक्ट करवाता है, जिसका नाम है संवेदना। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज ज़्यादातर रहते हैं? नेबरहुड फर्स्ट बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड UAE। ठीक है, देन मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज हैं कुछ जो न्यूज़ में रहती हैं, तो ये मैंने आपके लिए भी इस PDF में डाल दी हैं। वील डिस्कस देम वेरी फास्ट। जैसे कि फोर्स 18 है जो ADMM प्लस ही कंडक्ट कराता है। देन यू गॉट RIMPAC। RIMPAC में ऑल्दो इंडिया ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ठीक है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के अराउंड रहती है। PAC स्टैंड फॉर पैसिफिक। ठीक है, तो पैसिफिक रिम के अराउंड जितने कंट्रीज रहते हैं ज़्यादातर, और जो US फ्रेंडली हैं, वो इस एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा ही हुआ है कंडक्टेड बाय USA। देन दे हैव गॉट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जिसमें इंडिया, इज़राइल, US, पोलैंड, ग्रीस, इटली, UK वगैरह आते हैं। तो ये ब्लू फ्लैग है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि वो कंडक्ट कौन कराता है? इज़राइल। तो ब्लू फ्लैग में जो है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जस्ट अबव, इफ यू गो बैक इन द वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था। देन देर इज BIMSTEC। BIMSTECs तो है ही, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये BIMSTECs की जो एक्सरसाइज है, इसका नाम रखा गया है MILEX। तो ये अगेन मैरिटाइम एक्सरसाइज है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2017 में इंडिया जो है इसका फुल फ्लेज मेंबर बन गया था। 2021 में इसका एक और कंट्री मेंबर बना है। कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि ये नया मेंबर कंट्री कौन सा है। ठीक है, ज़रूर टैग बताइएगा। तो इसकी जो ये एक्सरसाइज है सेंटर, ये भी करवाई जाती है। टी साइलेंट है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज सेंटर। ठीक है, तो इंडिया इसमें भी पार्ट लेता है। एज आई सेड, 2017 वी बिकेम अ मेंबर।
देन वी गॉट सम डोमेस्टिक एक्सरसाइज। अब ये तो थी पूरी दुनिया के साथ बात, तो घर में भी हम कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बिल्कुल अपने घर में भी कुछ करते हैं, जब पूरी दुनिया में खेल रहे हैं तो अपने घर में क्यों ना खेलें। तो आर्मी जो है, सिर्फ इंडियन आर्मी आपस में अपनी डिफरेंट फॉर्मेशंस को लेके डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो है कंडक्ट करवाती है, जिसमें से एक है विंग्ड रेडर। तो इसमें ज़्यादातर एयरबॉर्न ट्रूप्स आप देखेंगे, पैरा ट्रूपर्स एंड एवरीबडी। तो इसमें एयरबॉर्न ट्रूप्स और एयरबॉर्न वेपन्स जो हैं उनका ज़्यादा यूज़ रहता है कि कल को इन केस ऑफ वॉर, गॉड फॉरबिड्स इफ देयर इज अ वॉर, बट इन केस ऑफ वॉर हाउ विल इट फॉर्म, व्हाट आर द फॉर्मेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, कैसे जो है ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और कैसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। देन देयर इज हिम विजय। हिम तो हिमालय से आता है, तो हिम विजय आपको पता ही है, ये नॉर्दर्न फ्रंटियर्स के अलॉन्ग कंडक्ट की जाती है, LOC, LAC हिमालयस के अलॉन्ग बेसिकली से कंडक्ट किया जाता है। माउंटेन स्ट्राइक जो है, माउंटेन्स में इंडियन आर्मी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और टाइम आने पे हम लोग क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे, हमारे क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे, तो उनका सबका एनालिसिस किया जाता है। देन देर इज दृढ़ संकल्प, शत्रुजीत, मेघ प्रहार, चक्रव्यूह। तो ये सब की सब एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी आपस में कंडक्ट करती है। देन वीव गॉट बुल नेवी। नेवी जो है बुल स्ट्राइक नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। इसमें एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार कमांड रहती है। तो अंडमान एंड निकोबार कमांड आपको पता ही है, इट इज़ एक्चुअली अ ट्राई सर्विसेज कमांड। इसमें तीनों की तीनों सर्विस इन्वॉल्व है, ये नेवी की कमांड नहीं है। जैसे अगर मैं वेस्टर्न एयर कमांड की बात करूँ तो वो एयरफोर्स की कमांड है, वेस्टर्न कमांड की बात करूँ तो वो आर्मी की कमांड है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं अंडमान से निकोबार कमांड की बात करता हूँ तो वो ट्राई सर्विसेज कमांड है। तो ट्राई सर्विसेज कमांड यानी उसमें आर्मी भी है, उसमें नेवी भी है और उसमें एयरफोर्स भी है, और तीनों के तीनों इक्वल लेवल पे, इक्वल फुटिंग पे इन्वॉल्व है। दैट इज मेंट बाय अ ट्राई सर्विसेज कमांड। तो बुल स्ट्राइक जो होती है वो ज़्यादातर उसमें लीड जो है वो नेवी लेती है, बिकॉज एज यूजल अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स तक जाने के लिए आपको पानी से होके ही जाना पड़ेगा, प्लेन से आपकी रीच और आपका जो रहता है एंड्योरेंस वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। दैट इज वाई यू डोंट ट्रांसपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गोस थ्रू प्लेन्स, रेदर थ्रू शिप्स। सी विजिल। सी विजिल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडिया की जो है नेवी वो तो रहती ही है इन्वॉल्व, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है और वो पूरा जो है इसको फोरफ्रंट से लीड करती है। इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे स्टेट कोस्टल पुलिस। तो इंडिया की जितनी कोस्ट स्टेट हैं उनके जितने पुलिस फोर्सेस हैं वो भी इस एक्सरसाइज में पार्ट लेती हैं। इसके साथ साथ हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ठीक है, और जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इक्वली जो है इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। MHA और MOD दोनों की दोनों जो है आपस में ये मिलके कोऑर्डिनेट करवाती हैं, ठीक है। तो सी विजिल तो है वो जब हो जाती है कंडक्ट, तो उसी के बाद हम पहुंचते हैं ट्रॉपेक्स पे, जो थिएटर लेवल एक्सरसाइज है। तो ये हर 2 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है ट्रॉपेक्स। तो सी विजिल जब कंडक्ट होती है तो समझ लो उसके बाद जो है अगला लेवल, अब आप लगा लीजिए कि सी विजिल जो है वो लेवल 1 है तो ट्रॉपेक्स लेवल 2 है। तो लेवल 1 पार करके ही आप लेवल 2 पे जाएंगे। तो ट्रॉपेक्स की अपनी ये इम्पोर्टेंस रहती है। इसके अलावा एयरफोर्स है, एयरफोर्स हैज़ गगन शक्ति एंड वायु शक्ति। तो नाम से ही पता लग रहा है गगन शक्ति एंड वायु शक्ति। अच्छा, इसके अलावा पैरामिलिट्रीज जो हैं हमारी, अब आपको पता ही होगा हमारी कुछ पैरामिलिट्रीज हैं, जैसे कि CISF है, देन वी गॉट BSF, देन वी हैव गॉट CRPF, ठीक है, सॉरी F था यहाँ पे, ठीक है, देन वी हैव गॉट असम राइफल्स, ठीक है, वी हैव गॉट सशस्त्र सीमा बल। तो ऐसे ही है हमारी जो है बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में से भी कुछ फोर्सेज जैसे BSF है, BSF एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करती है जिसका नाम है गर्म हवा एंड
सर्द हवा, ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज है पर कंडक्ट BSF ही करवाती है। अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, गर्म हवा जो है वो समर्स में कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, और सर्द हवा जो है वो ऑब्वियसली आप कराई जाएगी विंटर्स में। तो ये गर्म हवा और सर्द हवा BSF कंडक्ट करती है, गर्म हवा समर्स और सर्द हवा विंटर्स। तो आई होप इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा, जहाँ तक पॉसिबल हो सका मैंने हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाकी एज आई सेड, इसकी जो PDF है आप हमारी ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं, देर इज़ नो इशू इन दैट। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है प्लीज़ डू टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं आप उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई मिलिट्री या CDS पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है जो कंडक्ट कवर किया जाए तो मोस्ट वेलकम, हम उस पर भी आपको एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है बना के प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे।